हेलो दोस्तों, मैं आयुषी स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल आयुषी द होम मेकर में। आज मैं बनाने वाली हूँ कटहल की सब्ज़ी दो तरीके से, एक ग्रेवी वाली और एक सूखी। तो सब्जी बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी? इसके लिए हमें आधा किलो कटहल चाहिए होगा, 3 से 4 मुझे यहाँ रफली चॉप्ड अनियन चाहिए होंगे, प्याज 10 से 15, लहसुन की कली चाहिए होंगी, 1 टुकड़ा अदरक का और करीब 4 से 5 मीडियम साइज़ के टमाटर कटे हुए हम लेंगे। यहाँ मैं दो तरीके से कटहल बनाऊँगी, तो एक पाव कटहल मैं एक रेसिपी में यूज़ करूँगी, बाकी 250 ग्राम कटहल जो है वो मैं दूसरी रेसिपी में यूज़ करूँगी। यहाँ मैंने प्याज टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया है। अब यहाँ एक कढ़ाई में हम तेल लेंगे, तेल थोड़ा हम ज़्यादा लेंगे, और जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम 250 ग्राम जो है वो कटहल उसको डीप फ्राई कर लेंगे। यहाँ मैंने कटहल को तेल में डाल दिया है। यहाँ एक बार में मैं 250 ग्राम कटहल डाल रही हूँ, फिर दूसरी बार में मैं 250 ग्राम फिर से डालूँगी, और इस तरीके से मैं अपना पूरा कटहल जो है वो अच्छे से भून लूँगी। इस समय आपको गैस की फ्लेम जो है वो हाई रखनी है। गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे तभी हमारा जो कटहल है वो अच्छे से भुनेगा। ये देखिए, करीब 4 से 5 मिनट बाद जो है हमारा कटहल भुनना स्टार्ट हो गया है। अभी इस स्टेज पे हम कटहल को निकालेंगे नहीं, क्योंकि ये देखने में तो थोड़ा लाइट ब्राउन लग रहा है, लेकिन इसका जो नीचे का भाग है वो अच्छे से पकता नहीं है। उसको पकाने के लिए उसको हम थोड़ा सा और डार्क भूनेंगे, और करीब 5 से 7 मिनट बाद हमारा कटहल भुन गया है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम अपना दूसरा कटहल भी भून लेंगे। ये देखिए, यहाँ मैंने पूरा कटहल अपना भून लिया है। अब मैं सबसे पहले बनाऊँगी ग्रेवी वाली सब्ज़ी। इसके लिए कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच तेल लिया है। जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा इसमें हम 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच हींग ऐड करूँगी मैं। अब मैं इसमें प्याज का पेस्ट जो है वो ऐड कर दूँगी। यहाँ मैंने प्याज का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। करीब 2 मिनट बाद मैं यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी। इसको हमें अच्छे से मीडियम फ्लेम पे भूनना है और प्याज को लगातार चलाते रहना है। चूँकि कटहल को तलने में तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसलिए प्याज को भूनने में मैं यहाँ ज़्यादा तेल नहीं लूँगी। प्याज को भूनने में कम से कम 5 से 7 मिनट का समय लगेगा। यहाँ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें डाल दिया है और प्याज का पेस्ट भी। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए, धीरे धीरे हमारा जो प्याज है वो थोड़ा सा गोल्डन टर्न होने लगा है। प्याज अगर हम अच्छे से भूनेंगे नहीं तो उसका कच्चापन आएगा, इसलिए प्याज को हमें बहुत अच्छे से भूनना है। करीब 5 से 7 मिनट बाद हमारी प्याज जो है वो अच्छे से भून जाएगी। प्याज को भुनने में थोड़ा सा समय लगता है। अगर प्याज हमारी कच्ची रहेगी तो हमारे सब्ज़ी में प्याज का कच्चापन आएगा और हमारी सब्ज़ी जो है वो खाने में अच्छी नहीं लगेगी। प्याज को हमें रेगुलर चलाते रहना है मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए, हमारी प्याज जो है वो अच्छे से भुन गई है। प्याज को हमें अच्छे से भूनना है। जब इसका कलर एकदम ब्राउन हो जाए तब इसमें हम टमाटर की प्यूरी जो है वो ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने अपने टमाटर की प्यूरी इसमें ऐड कर दी है। अब मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। करीब 3 से 4 मिनट तक मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। करीब 4 मिनट बाद ये हमारा प्यूरी जो है वो अच्छे से भुन चुकी है। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। यहाँ मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया है। इसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी। इसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच हरा धनिया, सूखा हरा धनिया ऐड करूँगी पाउडर। फिर 1/2 चम्मच मैं यहाँ गरम मसाला ऐड करूँगी।
यहाँ मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। अब मैं इन सारे मसालों को अच्छे से भून लूँगी। पहले मैं इसको 1 मिनट तक सूखा भूनूंगी। जब हमारे मसाले अच्छे से भून जाएंगे, मसालों की हमको अच्छे से खुशबू आने लगेगी भुनने की। जब हमारे मसाले अच्छे से भून जाएंगे तब इसमें मैं 1/2 ग्लास पानी ऐड कर दूंगी। ये देखिए हमारा जो टमाटर, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और मसाले का जो मिश्रण है ये सब अच्छे से भुन गया है। ये इसमें मैंने 1/2 ग्लास पानी डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी और मसालों को अच्छे से पकने दूँगी। मसालों का सब्ज़ी में पकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप मसाले अच्छे से पकाएंगे नहीं तो हमारी सब्ज़ी में स्वाद नहीं आएगा, इसलिए मसालों को भूनना थोड़ा सा टाइम लेता है लेकिन उससे हमारी सब्ज़ी में स्वाद बहुत अच्छा आता है। ये देखिए हमारे मसाले भून रहे हैं। ये देखिए भून चुके हैं, मसालों ने तेल छोड़ दिया है। यहाँ मैंने 1/2 ग्लास पानी और ऐड कर दिया था। इसको मैं कवर कर दूंगी और करीब 4 से 5 मिनट तक इसको मैं ऐसे ही ढक के पकाऊंगी। करीब 5 मिनट बाद ये देखिए हमारा मसाला जो एकदम तैयार हो गया है। अब मैं इसमें 250 ग्राम्स जो है 250 ग्राम भुना हुआ कटहल ऐड कर दूंगी। ये देखिए यहाँ मैंने कटहल ऐड कर दिया है, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब मैं यहाँ इसमें 1/2 चम्मच नमक ऐड करूँगी। आप नमक स्वादानुसार कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। नमक डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए हमारी कटहल की सब्जी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। क्योंकि हमने अभी कटहल इसमें डाला है, कटहल में थोड़ा सा मसाला जो है वो एब्जॉर्ब कर ले, इसके लिए हम इसको करीब 2 से 3 मिनट तक ढक के रखेंगे। करीब 3 से 4 मिनट बाद मैंने ढक्कन को हटाया है। ये देखिए हमारी कटहल की सब्जी जो है वो तैयार हो चुकी है। अब इसको हम धनिया पत्ती से गार्निश कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसमें बाद में थोड़ा सा अमचूर का पाउडर ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने 1/2 चम्मच अमचूर का पाउडर ऐड किया है, 1/2 चम्मच मैंने गरम मसाला ऐड किया है और धनिया पत्ती ऐड की है। ये देखिए हमारी सब्जी जो है कितनी अच्छी लग रही है देखने में। अगर आप इस तरीके से सब्जी बनाएंगे तो बिलीव करिए आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। और जो है हमारी ग्रेवी वाली सूखी सब्जी जो है वो तैयार हो चुकी है। अब ये देखिए यहाँ मैंने सूखी सब्जी दूसरे तरीके से बनाई है। इसके लिए सबसे पहले हम 1 कटोरी में 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच सूखा हरा धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच अमचूर का पाउडर यहाँ मैं लूँगी। ये देखिए यहाँ मैंने गरम मसाला ले लिया है। अब मैं यहाँ 1 चम्मच अमचूर पाउडर ले रही हूँ और इन सभी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। यहाँ मैंने इन सभी चीज़ों का अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको साइड में रख दूँगी। यहाँ मैंने 250 ग्राम्स 250 ग्राम्स जो है वो कटहल लिया हुआ था। ये कटहल को मैंने तेल में अच्छे से डीप फ्राई कर लिया था, भून लिया था। अब इसमें जो कटोरी में मैंने जो मसाला बनाया था ये सारा मसाला मैं इसमें ऐड कर दूंगी। यहाँ मैंने 1/2 चम्मच नमक ऐड किया है। अब इसमें मैं ये गार्लिक का पाउडर ऐड करूंगी। ये एकदम ऑप्शनल है, अगर आपके पास गार्लिक का पाउडर है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें धनिया पत्ती ऐड कर दूंगी। अब मैं इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए यहाँ मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये जो हमारा भुना हुआ सूखा कटहल है ये एकदम तैयार हो गया है। इसको आप पराठे पूड़ी के साथ सर्व करिए, ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा।